वेलकम बैक टू माई चैनल मामा बेबी। होप यू गाइज आर फाइन। एक छोटे बच्चे का लिक्विड से सॉलिड की तरफ ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, क्योंकि बच्चा जो अभी तक पूरी तरह से लिक्विड यानी मिल्क पर डिपेंड था, अब वो सॉलिड की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बच्चे में सॉलिड स्टार्ट करने के बाद हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा चेंज जो होता है वो पॉटी का होता है। बच्चा पहले एकदम डिफरेंट पॉटी करता है जब वो लिक्विड डाइट पे होता है, और जब बच्चा सॉलिड लेना स्टार्ट करता है तो उसकी पॉटी में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे के सॉलिड में बच्चे की लिक्विड डाइट सही से बैलेंस ना की जाए तो बच्चे में कॉन्स्टिपेशन तक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। खैर, जब हम बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करने वाले होते हैं तो सभी पेरेंट्स के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि बच्चे को सॉलिड देने की राइट एज क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जाएं तो बच्चों को हमें 6 मंथ से ही सॉलिड देना स्टार्ट करना चाहिए। 6 मंथ वो राइट एज है जब बच्चा सॉलिड के लिए एकदम प्रिपेयर होता है। अगर बच्चे में प्री मैच्योर डिलीवरी या ओबेसिटी जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उन केसेस में डॉक्टर हमें बच्चे को 6 मंथ से पहले यानी कि 4th या 5th मंथ में, या फिर 6 मंथ के बाद 7th या 8th मंथ में भी सॉलिड से इंट्रोड्यूस करवाने की एडवाइस दे सकते हैं। हमारा बच्चा 6 मंथ में एंटर कर चुका है, बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा सॉलिड के लिए एकदम प्रिपेयर है या नहीं, क्योंकि सॉलिड इतना बड़ा माइलस्टोन है और हम बच्चे को इसे ऐसे ही देते बिना बच्चे को जाने समझे तो बच्चे के लिए सही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे साइन बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि आपका बच्चा पूरी तरह से सॉलिड की अपनी जर्नी के लिए रेडी है। सबसे पहला है बच्चे का हेड पे कंट्रोल। बच्चे जनरली 3 से 4 मंथ के बाद अपने हेड पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अगर आपका बच्चा पूरी तरह से हेड पर कंट्रोल करना सीख गया, यानी कि अब आपको अपने बच्चे के हेड को सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा हेड मूवमेंट अपने आप कर रहा है, तो आपका बच्चा सॉलिड के लिए एकदम रेडी है। सेकेंड साइन है कि आपका बच्चा एकदम स्ट्रेट बैठ पा रहा है। बच्चे विद सपोर्ट या विदाउट सपोर्ट जनरली 5 से 7 मंथ के बीच एकदम स्ट्रेट बैठ पाते हैं। अगर आपका बच्चा ये साइन शो कर रहा है तो आपका बच्चा सॉलिड के लिए एकदम रेडी है। थर्ड साइन है आपके बच्चे का वेट उसके जन्म के वेट का डबल है। जनरली 5th से 6th मंथ में बच्चों का जो वेट होता है वो उनके जन्म के वेट का डबल हो जाता है। अगर आपके बच्चे का वेट जन्म के वेट का डबल हो गया है तो आपका बच्चा एक हेल्दी बेबी है और वो अपनी सॉलिड की जर्नी के लिए एकदम रेडी है। फोर्थ साइन है आपका बच्चा आपको कुछ चबाने के साइन दे रहा है, जैसे कि बच्चे मुँह चलाते रहते हैं, चबाने की हैबिट दिखाते हैं, तो इसका मतलब आपका बच्चा एकदम रेडी है अपनी सॉलिड की जर्नी के लिए। 5th साइन है कि आपका बच्चा फीडिंग ले रहा है उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा है। मान लीजिए बच्चे ने फीडिंग ले ली, भले ही ब्रेस्ट फीड लिया या फॉर्मूला फीड लिया, और उसके बावजूद बच्चा रो रहा है भूख के लिए और वो फीडिंग लेने पे अगेन फीडिंग ले लेता है, तो यानी आपके बच्चे की जो हंगर रिक्वायरमेंट है वो अब लिक्विड डाइट से फुलफिल नहीं हो रही है। आपके बच्चे को सेमी सॉलिड की तरफ ट्रांसफर करने की ज़रूरत है। 6th साइन है कि आपके बच्चे ने टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स की हैबिट छोड़ दी। बच्चों में जनरली 6 मंथ से पहले टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स की हैबिट होती है, जिसमें बच्चे जीभ बार बार बाहर निकालते हैं, और अगर हम बच्चे के मुंह में कुछ भी रखें तो बच्चे उसे जीभ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अगर बच्चे ने इस हैबिट को ओवरकम कर लिया, इस हैबिट को छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपका बच्चा अब सॉलिड के लिए रेडी है। आप बच्चे के मुँह में कुछ भी डालेंगे बच्चा उसे अब खा लेगा। 7th साइन है कि आपका बच्चा खाने को देखकर इंटरेस्ट शो करता है, यानी कि जब डाइनिंग टेबल लगा हुआ है या आप खाने बैठे हुए हैं तो आपका बच्चा खाने की तरफ देखकर अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, स्माइल के थ्रू कुछ वॉइस निकाल के कुकू ऊ की, तो मतलब आपका बच्चा पूरी तरह से रेडी है फूड के लिए। 8th एंड लास्ट साइन है जब आप अपने बच्चों को फूड दे रहे होते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को फिंगर फूड देना स्टार्ट करते हैं 6th 7th मंथ में, ताकि बच्चा अपने आप खाना सीखे, तो बच्चा उस फूड को अपने आप लेने की कोशिश कर रहा है अपने थंब और फिंगर की हेल्प से, यानी कि बच्चा फूड के लिए एकदम रेडी है और वो फूड के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। यही वो साइन है जब आपका बच्चा 6 मंथ में एंटर कर चुका है और शो कर रहा है फूड की जर्नी में एंटर करने के लिए। अगर आपका बच्चा इस तरह के साइन दिखा रहा है तो आप अपने बच्चे को फूड देना स्टार्ट कर सकते हैं। बट फूड देना स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को फूड देना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है बच्चे की लाइफ में, और उसके लिए डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर हिट करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंचते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने रिलेटिव फ्रेंड्स सबके साथ, सारी सोशल साइट्स पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ताकि सभी वो मॉम्स जो इस तरह के क्वेश्चन का राइट आंसर ढूंढ रही हैं उनकी इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो पाए। थैंक यू।